शुरुआती उतार चढ़ाव के बाद बाजार ने एक अच्छी रफ्तार पकड़ी है धीमे धीमे। आप देखिए आज का चार्ट, फर्स्ट हाफ शुरुआती एक डेढ़ घंटा थोड़े टेंटेटिव थे, उसके बाद स्टडी ट्रेड हो रहा है, लगातार एक लेवल के आसपास खरीदारी होती दिख रही है। दायरा निफ्टी ने अपना 50 पॉइंट का कर लिया है, बैंक निफ्टी ने 100-150 पॉइंट का कर लिया, और उसी में आराम से खरीदारी बिकवाली होती दिख रही है। और ये सब कुछ तब हो रहा है जब आज ज्यादातर एशियाई बाजार आपके बंद है, डाउ फ्यूचर से कोई खास सपोर्ट तेजी या मंदी दोनों की तरफ नहीं है, हमारे अपने संकेतों पर चल रहे हैं। कल आपने कैबिनेट देख ली जो 71 मिनिस्टर बने, अब आज पोर्टफोलियो का इंतजार है। बाजार को धीमे धीमे ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि पोर्टफोलियो एलोकेशन में कोई ऐसे बड़े झटके नहीं लगेंगे। और दीप, अब जो नेक्स्ट ट्रिगर है वो यही होगा कि आज शाम को जो पोर्टफोलियो सामने आएंगे, कौन सा मंत्रालय किस मंत्री को मिलता है, उसके दम पर कल बाजार में फिर से एक्शन होगा। इन जनरल अगर ये लगता है कि पोर्टफोलियो एलोकेशन में बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइजेस नहीं है तो फिर बाजार और आगे बढ़ेगा। उसमें क्या हो सकता है, देखिए आमतौर पर बाजार ये मान के चलेगा कि रेलवे, एग्रीकल्चर, ये इस तरह के जो सोशल डेवलपमेंट वाले दूसरे जो मिनिस्ट्रीज हैं ये सहयोगी दल के पास जा सकते हैं, और स्पेशली जैसे आरजेडी, ये जेडीयू है आपका बिहार वाला, तो वो इस तरह के एग्रीकल्चर और इस तरह के मंत्रालय लेना पसंद करेगा। चंद्रबाबू नायडू है तो इंडस्ट्री से रिलेटेड या आईटी से रिलेटेड लेना पसंद करेंगे। सो आई थिंक कुछ कुछ वहाँ वो मंत्रालय जा सकते हैं, लेकिन जब तक आपका फाइनेंस, होम, एक्सटर्नल अफेयर्स, ये इस तरह के जो बड़े मिनिस्ट्री है वो अगर गवर्नमेंट अपने पास ही रखती है और वहां पर जो पुराने या अच्छे बढ़िया नाम आते हैं, तो मुझे लगता है कि डिफेंस है, तो मुझे लगता है कि मार्केट उसे पसंद करेगा। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, आपके पास अगर 272 से कम सीटें हैं तो नेचुरली आपको दूसरों को देने तो पड़ेंगी, करेक्ट। सो अब दूसरों को देने पड़े तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारे के सारे अच्छे आप रख लो, दूसरों को कुछ ना दो, अल्टीमेटली कोलिशन में तो उल्टा ज्यादा देना पड़ता है। लेकिन अगर ज्यादा ना देकर रीजनेबल भी दें तब भी मुझे लगता है। और अच्छा, दूसरी एक और बड़ी समस्या इस वक्त बीजेपी के लिए ये भी है कि अब सेंटर में दिग्गज बहुत बड़े बड़े आ गए, शिवराज जी को आपको एडजस्ट करना है, बिल्कुल, जेपी नड्डा साहब को एडजस्ट करना है, है ना, और मैं तो भूल रहा हूँ बहुत सारे नए नए और बड़े बड़े नाम हैं जो सेंट्रल लीडरशिप में आ चुके हैं, तो अब उनको भी आपको अच्छी पोस्ट ही देनी पड़ेगी ना। अब नड्डा साहब बीजेपी प्रेसिडेंट है, उनको कोई छोटा मोटा मंत्रालय थोड़ी पकड़ा सकते हैं आप, करेक्ट। सो अल्टीमेटली सबको आपको, पीयूष गोयल साहब है तो इतने समय से 10 साल से मिनिस्टर हैं, निर्मला जी 10 साल से मिनिस्टर हैं, डिफेंस फाइनेंस देख चुकी है, तो आप उनको कम भी करोगे तो क्या कम करोगे, सही बात है ना, लिमिट तो आ जाती है ना जो हैवी वेट्स हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल से छोटे मोटे एडजस्टमेंट होंगे, अगर बड़े एडजस्टमेंट ना दिखे तो बाजार कल फिर रफ्तार पकड़ेगा कि पोर्टफोलियो अलग। पहले ये था कि सीटें कम आई, चलो सरकार तो बन जाएगी, वहाँ रफ्तार पकड़ने लगा, फिर ये कि सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आसानी से बार्गेनिंग लगा कि नहीं, बार्गेनिंग नहीं हो रही, वहाँ रफ्तार पकड़ी, तीसरी रफ्तार जिस तरह के नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज वो भी कंफर्टेबल, अब एक्चुअल पोर्टफोलियो एलोकेशन जो आज होगा अगर वो कंफर्टेबल लगा तो बाजार कल यहाँ से और रफ्तार पकड़ने वाला है। ये सिंपल सी चीज़, एक एक स्टेप पे बाजार रिएक्शन देकर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि बाजार के लिए इलेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है, थोड़ा आपको ट्रिगर मिल रहा है। रहा सवाल आज का, मजबूत क्लोजिंग की उम्मीद करके आप चल सकते हैं, फिलहाल कोई ऐसे संकेत है नहीं, और स्क्रीन ये दिखा रही है कि खरीदारी हो रही है, स्क्रीन पर लगातार हो रही है। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में जो तेजी बनी उससे ब्रॉडर मार्केट में आम जनता, रिटेल इन्वेस्टर्स, तीसरी मासिक्ति का मूड ठीक हुआ है। आज सुबह भी हम भाई यही बात कर रहे थे कि आप ये सब छोड़िए, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बढ़िया एक्शन रहेगा, वहीं पर फोकस करिए। 2-2% से ज़्यादा की तेजी आपको मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में दिख रही है, स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.5% की तेजी है, मिड कैप इंडेक्स भी ठीक है दीप। दूसरी बात यह कि सेक्टर रोटेशन आपका बहुत बढ़िया हो रहा है, केमिकल सेल पड़े आज, फर्टिलाइजर शेयरों में देखिए जो जबरदस्त एक्शन है, कोई चंबल देखिए, कोई कोरोमंडल देखिए, आरसीएफ देखिए, 8-10% ये स्टॉक भाग रहे हैं, यहाँ पर बढ़िया एक्शन है, सीमेंट बढ़िया चल रहा है। सो आपको इस मार्केट में हर सेक्टर पैसा कमाने का मौका दे रहा है, और ये इसकी खूबसूरती, नहीं तो हमेशा है ना लाइफ टाइम हाई के मार्केट में लोगों को एक ही कंप्लेन रहती है, और सब चल के हमारा तो चले ही नहीं, हमारे नहीं चले, करेक्ट, मेरा तो अभी भी है ना ये 23,000 है, मेरा तो भाव 18,000 का है, कंप्लेन वही रहती है। लेकिन इस वक्त ज्यादातर लोगों को पूछोगे, ये 2-4 दिन का छोड़ देता हूँ, 23,000 के निफ्टी पे उनके 25,000 के मिड कैप के भाव दिखते हैं, बल्कि ज्यादा ही होंगे, उल्टा आगे भाग रहे हैं। सो आई थिंक किसी को कंप्लेन नहीं है, हमारी जो सुबह की स्ट्रेटेजी थी वही क्लियर कट है, हर गिरावट में खरीदना है। आज भी सपोर्ट लेवल पे सुबह एक मौका मिला, ले पाए ठीक, नहीं ले पाए कोई बात नहीं, वापस अगर 23,300 के आसपास आता है, 23,300 से लेके 23,235 की रेंज में ये खरीदारी का मौका होगा। बैंक निफ्टी 49,675 49,675 49,800 है भगवान,
इतने लेवल याद रखेगा आदमी, कोई तो लिमिटेशन आ जाए। 49,675, 49,800, यस इस रेंज में, 125 पॉइंट की रेंज में आपको खरीदना है अगर बैंक निफ्टी आए तो। और निफ्टी में 23,235, 23,235, 23,300 ठीक है। वहां से तो खैर अभी अच्छे खासे दोनों ही थोड़ा सा ऊपर है, 60 पॉइंट ऊपर निफ्टी है और बैंक निफ्टी वहां से 250 पॉइंट ऊपर है। अगर मिल रहा है ना आजकल 150-200 पॉइंट तो इजीली ऊपर नीचे हो जा रहा है। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि दिन की ऊंचाइयों की तरफ बंद होने की संभावना है, अभी तक फ्लोज जिस तरह से दिख रहा है आखिरी आधे एक घंटे में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ भी जाए तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। तो तेजी के रुझान के साथ बने रहें, डटे रहें, टिके रहें, जल्दी से माल ना बेचिए।